पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा लेने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने नोएडा एक्सपो मार्ट में इस वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। चार दिन के इस कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दुग्ध उत्पादन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश विदेश के 156 विशेषज्ञ इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत में इससे पहले इस तरह का समिट 1974 में आयोजित किया गया था, यानी कि तकरीबन 48 साल के बाद भारत को इस समिट की मेजबानी करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समिट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में भारत के दबदबे का जिक्र भी किया। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में जमीन या फिर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। अब उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आपको रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग आसानी से अब तहसील में भी रजिस्ट्री करा सकेंगे। आज से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, प्रदेश के 18 मंडलों में लागू हो गई है और आने वाले दिनों में पूरी तरह से प्रदेश के सभी तहसीलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले से मकान या फिर संपत्ति के रजिस्ट्री के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। यही नहीं, योगी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या घर के किसी भी सदस्य का नाम संपत्ति की रजिस्ट्री में जोड़ने या उसके नाम ट्रांसफर या रजिस्ट्री इसे किया जा सकेगा और इसके लिए मोटी राशि नहीं बल्कि महज 5000 का शुल्क और 1000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस देकर यह काम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अभी भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अनंत, आप भी जानते हैं, हम भी सोसाइटीज में रहते हैं कि लोगों को घर मिल गए हैं लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिसको लेकर वो चक्कर काट रहे हैं दिन रात ऑफिस के। जी बिल्कुल, और ये प्रक्रिया आसान कर दी गई है। इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि समय की बचत होगी और दूसरा फायदा यह है कि पैसे की भी बचत होगी और अपने नियरेस्ट कार्यालय में जाकर इस काम को अंजाम दिया जा सकेगा। और जहां तक हम बात करें दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, खासकर जो यूपी के क्षेत्र में आते हैं, वहां पर बिल्डर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बिल्डर्स का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।